वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी रेडी हो आज आप लोग लंबी क्लास के लिए तो आज आपने जो है ना खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेना था आज आप लोगों ने कायम रहना है अच्छा जी तो फिर हम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से जी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी हम इसको चेक करेंगे विच आव दोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन हैं एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई इनमें से किसका बॉयलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है एच एफ का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ठीक है अच्छा आप लोग इसका आंसर दो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इन में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट रही है इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जो हमने ऑप्शंस लिखी हैं इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है एच एफ में तो एच एफ में चूंकि बॉइलिंग एच एफ में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ ना फिर बाकियों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा हुआ सबसे अच्छा ये आपने ट्रेंड याद रखना है ग्रुप फाइव ए सिक्स ए और सेवन ए इनके जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप फाइव ए का हाइड्राइड है नाइट्रोजन का हाइड्राइड है ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर, और फ्लोरीन का हाइड्राइड है एच एफ अच्छा इसके बाद अमोनिया के बाद नीचे आता है नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मत इसी तरह एच टू एस एच टू एस ई एच टू टी ई ठीक है फिर एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई ग्रुप फाइव ग्रुप सिक्स और ग्रुप सेवन ए के जो ये हाइड्राइड्स हैं इसमें ये जो पहले हर ग्रुप का जो पहला हाइड्राइड है वो एक्सेप्शन है क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों अपने ग्रुप में ये डिफरेंट है बाकियों से क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा है इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप इन लोगों को निकाल दो क्योंकि ये तो थे एक्सेप्शन अब आपने इन लोगों को निकाल दिया इनको निकाल दिया अब आपने यहां से मूव करना है नीचे की तरफ पी एच थ्री से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे एच टू एस से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे एच सी एल से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है और चूंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है साइज इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लंदन डिस्परियन फोर्सेस भी स्ट्रोंगर होंगी तो टॉप टू बॉटम लंदन डिस्परियन फोर्सेस स्ट्रॉगर होती हैं तो एच एच एफ में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था तो उसके बाद एच सी एल से नीचे की तरफ लंदन डिस्पेयन फोर्सेस स्ट्रॉगर हो रही हैं तो इसका मतलब सबसे स्ट्रोंग लंदन डिस्परियन फोर्सेस एच आई में है उससे कम एच बी आर में है और सबसे वीक लंदन डिस्परियन फोर्सेस किस में है एच में तो सबसे कम जो बॉयलिंग पॉइंट है वो एच का है सो द राइट आंसर इज एच जी क्लियर है ये एक ये एक बात आपको पता होनी चाहिए ये जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप फाइव है सेवन है तो इनमें जो पहला हाइड्राइड है अमोनिया वाटर एच ये इनका बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बाद जो आप इनके ग्रुप्स में ट्रेंड देखोगे तो टॉप टू बॉटम लंदन डिस्पेंस फोर्सेस ज्यादा हो रही हैं क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा जी तो अब हम स्टार्ट करेंगे हाँ जी वट इज इपोरेशन द कंटिन्यूस स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्डोरेशन लेट से ये हमारे पास कंटेनर में लिक्विड है कंटेनर में हमारे पास ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं अच्छा ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जी ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर करते हैं और जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो तमाम मॉलिक्यूल्स को इक्वल एनर्जी नहीं मिलती Osionfish. वो मॉलिक्यूल्स जो बाउंड्री के साथ होते हैं उनके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करें जो मॉलिक्यूल्स इंटीरियर में होते हैं इनके पास कम चांस होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करें तो वो मॉलिक्यूल्स जो बाउंड्री के साथ होते हैं उनके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करें तो वो मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो सर्फेस पे आ जाते हैं और अल्टीमेट उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस सर्फेस को छोड़ जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन नॉर्मली क्या कहते हैं uh, किसी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना यह कहलाता है इवेपोरेशन लेकिन एक्चुअली इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली स्केप होना इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन अच्छा जी इवेपोरेशन के क्या फीचर्स हैं जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर लिक्विड चेंज हो रहा है वाटर गैस में वाटर वेपर्स में वाटर लिक्विड चेंज हो रहा है वाटर वेपर्स में तो इसके लिए जो हीट चाहिए इसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और ये होती है फोर्टी पॉइंट सेवन किलो जल्स पर मोल वाटर के लिए मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है फोर्टी पॉइंट सेवन पर मोल अभी वेपोरेशन के क्या क्या करैक्टर्स हैं पहला है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि हीट हो रही है इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है नेक्स्ट ये एक नेचुरल फिनोमिना है नेचुरली हो रहा है मतलब हम खुद हीट नहीं कर रहे वो लिक्विड सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब रहा है तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है इसके साथ साथ ये इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है कम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट कम होता है ज्यादा टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है इसके साथ साथ ये सरफेस फिनोमिना है यानी कि सिर्फ सरफेस पे मॉलिक्यूल्स स्केप हो रहे हैं ना तो ये एक सरफेस फिनोमिना है और इसके साथ साथ ये कूलिंग प्रोसेस है तो आपको पता है ना इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है क्यों क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है वो सरफेस को छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को छोड़ जाते हैं तो पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है तो ओवरऑल इस लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाती है तो चूंकि इस लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है इसलिए कूलिंग होती है तो इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है ठीक है तो ये इवेपोरेशन के जो फीचर्स हैं इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसका रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी पहला फैक्टर है जी सरफेस एरिया अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपोरेशन का रेट ज्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांस है कि वो इवेपोरेट होंगे तो वेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा नेक्स्ट है जी टेम्परेचर तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जी इवेपोरेशन के क्या फैक्टर्स हैं सरफेस एरिया अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा ज्यादा मॉलिक्यूल्स का चांस है कि वो स्केप करेंगे तो वेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो इवेपोरेट होंगे वेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा थर्ड फैक्टर है जी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वेपोरेशन का रेट क्या होगा एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद है कि अगर बाहर पहले से ही वेपर्स ज्यादा हैं अगर बाहर बाहर पहले से वेपर्स ज्यादा हैं तो फिर और वेपर्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वो वेपर्स को बनने में रेजिस्ट करेगा तो इसका मतलब है इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है ठीक है इवेपोरेशन और एक्सटर्नल प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वेपोरेशन का रेट कम है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो वेपोरेशन का रेट ज्यादा है और फोर्थ फैक्टर है जी नेचर ऑफ द लिक्विड नेचर ऑफ द लिक्विड में हम बात करेंगे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हाँ जी दूसरा है एक हो गया साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दूसरा है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल तीसरा है इंटरमोनिकुलर फोर्सेस आईएमएफ जी एफ evapor, जीपोरेशन और इंटरमोनिकुलर फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप होगा और इंटरमोनिकुलर फोर्सेस में क्या रिलेशनशिप होगा अगर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉग हैं तो वेपोरेशन का रेट कम होगा तो इनवर्स रिलेशनशिप है अगर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपोरेशन का रेट कम होगा और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो ईवेपोरेशन ज़्यादा होगी अच्छा स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके वेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा स्मॉल साइज जो हैं उनके वेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा और लार्ज साइज जो हैं उनके वेपोरेशन का रेट स्लो होगा इसी तरह शेप के अंदर जो रेगुलर जिनकी शेप्स रेगुलर हैं उनके एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा जिनकी इरेगुलर शेप्स हैं उनके वेपोरेशन का रेट कम होगा तो ये है नेचर दी नेचर ऑफ लिक्विड ठीक है ये था जी वेपोरेशन अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे वेपर प्रेशर दैट इज नेक्स्ट है जी वेपर प्रेशर अच्छा ये कंटेनर में हमारे पास लिक्विड था इस कंटेनर में हमारे पास ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इस कंटेनर को बंद कर दें तो क्या होगा लिक्विड के जो वेपर्स बन रहे हैं वो ऊपर जाएंगे और टकरा के वापस नीचे आएंगे जब वो वाप वेपर्स वापस नीचे आएंगे तो वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो अब दो प्रोसेस चल रहे हैं एट अ टाइम लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड से वेपर्स बनने को कहेंगे वेपोराइजेशन और वेपर्स से दोबारा लिक्विड बनेगा इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अल्टीमेट एक स्टेज आएगी जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के जी रेट इक्वल होने से क्या मुराद है रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के इससे क्या मुराद है इससे मुराद है कि इस पॉइंट पे जितने वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे अच्छा इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब वो जो वेपर्स है ना वेपर्स जब वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बेसिकली वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड के अंदर जा रहे हैं लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करके उसके अंदर जा रहे हैं तो लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाय करते हैं इक्विलीब्रियम कंडीशन पे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दी ऑफ़ द लिक्विड On the surface of the liquid. The pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium is called vapor pressure. ठीक है, लिक्विड के वेपर्स, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं कंडीशन पे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर जी वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी पहला फैक्टर है जी इंटरमोनिकुलर फोर्सेस आईएमएफ जी अगर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसके वेपर्स जो हैं वो कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा तो वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमोनिकुलर फोर्सेस के आईएमएफ के अगर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस स्ट्रोंग हैं तो कम वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर भी कम होगा और दूसरा है जी टेम्परेचर हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स ज़्यादा होते हैं तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जी अब बेहतर हुई है स्क्रीन जी बच्चों स्क्रीन बेहतर हुई है अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके वेपर्स जो हैं वो कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा तो वेपर प्रेशर इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साइज अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो कम वेपर बनेंगे वेपर इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है अच्छा जी आप लोगों से एक क्वेश्चन है Vapor pressure depends upon Vapor pressure depends upon. Intermolecular forces Temperature Nine Intermolecular forces Surface area Amount of liquid ऑल ऑफ दीस जी वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है इंटरमोनिकुलर फोर्स पे सरफेस एरिया पे अमाउंट ऑफ लिक्विड पे ऑल ऑफ दीस जी बच्चों वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है जी सवाब कमाना है फिर आप लोगों ने अमाउंट ऑफ लिक्विड सरफेस एरिया वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ इंटरमोनिकुलर फोर्स पे सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया कम हो या ज्यादा हो वेपर प्रेशर तो डिपेंड करेगा उस लिक्विड की इंटरमोनिकुलर फोर्सेस में बेशक आप उसका सरफेस एरिया कम रखो या ज्यादा रखो क्योंकि बाद में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है ना उस पॉइंट पे जितने वेपर्स बन रहे होते हैं उतने ही लिक्विड बन रहा होता है तो उसमें सरफेस एरिया मैटर नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड आप कम लो या ज़्यादा लो एक वाटर का जो वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर है उसका वेपर प्रेशर वही होगा अगर आप अगर आप 100 एम वाटर ले रहे हो उसका भी वेपर प्रेशर वही होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आप 1000 एम वाटर ले रहे हो उसका भी वेपर प्रेशर वही होगा तो वेपर प्रेशर ना तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर सिर्फ इंटरमोनिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है जी एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर At twenty degree centigrade, Ether, Chloroform, Carbon Tetrachloride, or Delta is water. Which of the following हैज the lowest वेपर प्रेशर एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड जी अगर इवेपोरेशन होता तो फिर आपको सवाब मिलना था अगर वेपर प्रेशर की जगह इवेपोरेशन होता ना तो फिर फिर आपको सवाब मिल जाना था नो बेटा वेपर प्रेशर में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है जितने वेपर्स बनते हैं उसी लिहाज से उसी लिहाज से जो है वो दोबारा लिक्विड में चेंज होता है ना तो फिर प्रेशर भी उसी लिहाज से ही होगा तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वेपोरेशन का रेट कम होगा क्यों क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है तो वो वेपर्स को लिक्विड से बाहर नहीं आने देगा क्योंकि प्रेशर बाहर ज्यादा है ना बाहर पहले से ही वेपर्स ज्यादा हैं तो और वेपर्स नहीं जाएंगे और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा जी इनमें से किसका वेपर प्रेशर सबसे कम है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे तो किसका वेपर प्रेशर कम होगा जिसमें इंटरमोनिकुलर फोर्सेस सबसे होंगी किसका वेपर प्रेशर कम होगा जिसमें इंटरमोनिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होंगी तो इनमें किसमें इंटरमोनिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है वाटर के अंदर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है तो इसीलिए वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वाटर के अंदर उससे कम है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड में उससे कम है क्लोरोफॉर्म में और उससे कम है ईथर में तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर है वो ईथर का है सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है ईथर का है अच्छा ये एक टेबल बना हुआ है वेपर प्रेशर और बॉयलिंग पॉइंट में उसमें आपने कुछ ये मॉलिक्यूल्स को देख लेना है कि किस में इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं और किस किस में वीक हैं तो जो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ना सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज़ कम्पेयर टू तो क्लोरोफॉर्म ठीक है वाटर में तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर चूँकि उसका नॉन पोलर करैक्टर ज़्यादा है तो इसीलिए उसमें जो है वीक फोर्सेज हैं तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट है जी जी पॉइंट पॉइंट क्या होता है तो बच्चों से जब हम पूछते हैं ना व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट तो बच्चों का मासूमाना जवाब होता है वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज बॉइल हो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ऐसे ही है ना ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है वन ए सी लेवल पे सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है वन ए टी एम लेट से हमारे पास दो लिक्विड है एक है जी वाटर और एक है एथनॉल दोनों हमारे पास रूम टेम्परेचर पर हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों हमारे पास रूम टेम्परेचर पर हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर में वाटर और एथानॉल में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ये हमारे पास दो लिक्विड्स हैं वाटर और एथेनॉल इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है ना इंडिविजुअल जो उसमें जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स है ना इंडिविजुअली वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स चार हैं ठीक है तो वो कार्बन क्लोरीन चार पोलर बॉन्ड्स हैं इस वजह से उसका ज्यादा होता है उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं ईथर में ईथर में इंटरमोनिकुलर फोर्सेस वीक हैं इसलिए उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और क्लोरोफॉम में वीक होती हैं जी बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरो क्लोरोफाम का आपने याद रखना है ऑल दो कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है और क्लोरोफाम जो है वो पोलर है लेकिन उसके साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अटोमिक साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और आपको पता है जब साइज़ बड़ा हो जाए तो लंदन डिस्पेन फोर्सेस स्ट्रांगर हो जाती हैं तो वहाँ पर आपने उसके साइज़ को भी देखना है ठीक है साइज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा है क्योंकि उसमें चार क्लोरीन है क्लोरीन का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन एटम का साइज़ स्मॉल है तो क्लोरोफॉर्म के अंदर एक हाइड्रोजन है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में चार क्लोरीन है तो उसका जो कि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया इसलिए उसमें लंदन डिस्पेन फोर्सेस स्ट्रोंगर हो गई हैं इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं ठीक है तो आपने साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को भी ध्यान में रखना होता है अच्छा जी अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास दो लिक्विड हैं वाटर और एथेनॉल 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनमें से एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है ना वो ज़्यादा होगा क्योंकि एथेनॉल में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है और वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोरसेज़ हैं तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर वो है जीरो एम और एथेनॉल का है सपोज कर रहा हूँ एथेनॉल का है जीरो पॉइंट थ्री ए ये वैल्यू हमारी सपोज है अब हम क्या कर रहे हैं अब हम इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो कौन वन एटीएम को जल्दी अचीव कर लेगा इन दोनों में से कौन वन एटीएम को जल्दी से अचीव कर लेगा जी 0.3 वाला जल्दी से अचीव करेगा वन को या 0.1 वाला जल्दी से अचीव करेगा जी 0.3 वाला जो है ये जल्दी से अचीव कर, अचीव कर लेगा 1 ATM को तो एथानॉल इसको जल्दी अचीव कर लेगा एथानॉल इसको अचीव करेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर इसको अचीव करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इस टेम्परेचर पे इनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है सो द टेम्परेचर एट विच The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure. वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम कहेंगे कि वो उसका बॉयलिंग पॉइंट है तो वाटर का बॉयलिंग पॉइंट है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और एथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है सेवेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से आपको पता चलेगा बॉयलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बॉयलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है

पॉइंट डिपेंड करता है पहला फैक्टर है इंटरमोनिकुलर फोर्सेस अगर इंटरमोनिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉयलिंग पॉइंट भी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा हीट चाहिए ना आपको इंटरमोनिकुलर फोर्सेस ब्रेक करने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दूसरा फैक्टर है जी हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉयिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर के अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करोगे तो बॉयिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो कैसे जब हम हाइट पे जाते हैं जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है क्योंकि वहां पर गैस की गैसेस की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है लेट से हम चले गए हैं मरी में ठीक है तो वन ए क्या होता है सेवन सिक्स टॉर तो जब हम मरी में चले गए तो मरी में जो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया वो सेवन हंड्रेड टॉर हो गया कम हो गया तो वाटर वाटर सेवन सिक्सटी टॉर को अचीव कर रहा था हंड्रेड पे तो सेवन हंड्रेड को हंड्रेड से पहले अचीव कर लेगा ना तो ये अचीव करेगा नाइनटी एट डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ तो मरी में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड और अगर हम चले जाएं जी अगर आप लोग चले जाओ माउंट एवरेस्ट पे तो माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो जाता है थ्री ट्वेंटी थ्री टॉर हो जाता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा कितना हो जाएगा सिक्सटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड और अगर आप रूम टेम्परेचर पे वाटर को बॉयल करवाना चाहो तो रूम टेम्परेचर पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना वो होता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन टॉर तो रूम टेम्परेचर पे अगर आपने वाटर को बॉयल करना है तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन तो अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ है और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो बॉयलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा जैसे कि आप कर दो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर कुकर में जो एक्सटर्नल प्रेशर हम कर देते हैं वो हो जाता है वन फोर एट नाइन टॉर प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाता है one eight, nine तो सेवन सिक्सटी को अचीव करा था ये हंड्रेड पे तो वन फोर एट नाइन को हंड्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे अचीव करेगा ना तो यहाँ पर इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वन ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है जैसे कि ग्लिसरीन ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन ग्लिसरीन जो है ना 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीकंपोज हो जाता है तो अगर आपने किसी मिक्सचर में से ग्लिसरीन को सेपरेट करना है यानी कि डिस्टिलेशन करनी है तो तो जब आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये बॉयल होगा लेकिन बॉयल होने के साथ साथ डीकम्पोज भी हो जाएगा तो आप इसको किसी मिक्सचर में से कैसे निकालोगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम कर देंगे मतलब 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉयलिंग पॉइंट है 760 सिक्सटी टॉर पे तो आप क्या करोगे आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम कर दोगे आप कितना कर दोगे फिफ्टी टॉर यानी कि ऑलमोस्ट आप वैक्यूम क्रिएट कर दोगे बाहर वैक्यूम का मतलब होता है कि एयर नहीं है तो जब आप फिफ्टी टॉर एक्सटर्नल प्रेशर कर दोगे ना तो फिर ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ग्लिसरीन टू टेन पे आप आसानी से हासिल कर सकते हो क्योंकि टू पे वो डिकम्पोज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन तो वो सब जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज हो जाते हैं तो उनको हम मिक्सचर से कैसे सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करके यानी कि बाहर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो इस तरह हम उनको मिक्सचर में से अलग कर लेते हैं वो कम बॉयिंग पॉइंट पे वो कम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं और मिक्सचर से अलग हो जाते हैं ठीक है ये था जी बॉइलिंग पॉइंट अब बॉइलिंग पॉइंट के वाले से मुझे लग रहा है आज आप लोगों को काफ़ी देर बाद जो है ना ये स्क्रीन शो हो रही है काफ़ी लैग है नहीं बेटा फिफ्टी टॉर पे तो फिर तब का ही बॉलिंग पॉइंट काम हो जाएगा ना मतलब इसका टू नाइन्टी था तो टू टेन हो गया तो जिसका हंड्रेड था वो कितना हो जाएगा वो थर्टी पे आ जाएगा फोर्टी पे आ जाएगा तो हर एक का काम हो जाएगा ना बाकियों का बाकियों का भी तो बॉलिंग पॉइंट काम हो जाएगा अच्छा एक और फैक्टर होता है जो बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमिन करता है वो फैक्टर क्या होता है वो फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए लिक्विड जितनी इम्प्योरिटी आती जाएगी लिक्विड के अंदर उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जी आपने पढ़ा है ना किसी आ, किसी अगर हम सॉल्वेंट में अगर हम इमप्योरिटी ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं ठीक है किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई इमप्योरिटी ऐड करते हैं कोई सल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो तीसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आप इमप्योरिटी ऐड करते जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा ठीक है तो ये फैक्टर्स थे जी बॉइलिंग पॉइंट के तो आप क्वेश्चन है

मर्करी ग्लिसरोल और आइसोपेंटेन इनमें से किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है जी अब ये एक टेबल बना हुआ है वेपर प्रेशर से रिलेटेड है ये आपने याद रखना है इनमें से सबसे कम जिसका वेपर प्रेशर है ना जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है अगर आप वेपर प्रेशर का ऑर्डर देखो ना वेपर प्रेशर का तो ग्लिसरोल का सबसे कम है क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रोंग फोर्सेस हैं उससे ज़्यादा है मरकरी में उससे ज़्यादा है वाटर में और उससे ज्यादा है आइसोपेन्टेन में ठीक है ये आपने याद रखना है कि सबसे कम जो वेपर प्रेशर है ना वो ग्लिसरोल का है ये ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है ये एक टेबल बना हुआ है उसको आपने याद कर लेना है ग्लिसरॉल में चूंकि तीन ओवेज होते हैं तीन ओवेज की वजह से इसमें स्ट्रोंग फोर्सेस होती हैं तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है इससे ज्यादा है मर्करी का इससे ज्यादा है वाटर का और इससे ज्यादा है आइसोपेंटेन का आइसोपेंटेन वैसे ही नॉन पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट उल्ट हो जाएगा ना फिर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा ग्लिसरोल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है उसके बाद मर्करी का उसके बाद वाटर का और उसके बाद आइसोपेंटेन ठीक है तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है Next question, is, which one of the following has the highest volatility? मर्करी का क्या काम होना चाहिए मर्करी मर्करी तो मेटल है ना उसके अंदर मेटैलिक फोर्सेस है मेटैलिक बॉन्ड है मर्करी एक मेटल है और उसमें मेटैलिक फोर्सेस है क्योंकि मर्करी में स्ट्रोंग फोर्सेज है ना मटैलिक मटैलिक बॉन्ड है उसके अंदर मर्करी एक मेटल है लेकिन फिर भी लिक्विड है तो उसमें जो मटैलिक बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रोंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनमें से किसकी वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है वोलेटिलिटी से क्या मुराद होता है जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं कि वो वोलेटाइल है जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है वोलेटाइल तो कौन आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा जिसमें वीक इंटरमोनिकुलर फोर्सेस होंगी तो इनमें वीक इंटरमोनिकुलर फोर्सेज किसमें है ईथर में जी सो राइट आंसर इज अल्फा ईथर में वीक इंटरमोनिकुलर फोर्सेस है अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी मेटलॉइड नहीं है मेटल है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट इट्स पॉइंट, विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे इनमें से किसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है इनमें से किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है जी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं अभी अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरा सॉलिड्स जो है वो हमने कवर करना है जी बच्चों इसका आंसर दो ये बहुत ही आ, टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू है ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल है ये सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच इसमें दो ओ OH एच ग्रुप हैं ये इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है जी बच्चों तो इसका आंसर है ऑल हैव सेम वेपर प्रेशर क्यों बॉइलिंग पॉइंट पे सबका वेपर प्रेशर सेम होगा ना बॉइलिंग पॉइंट पे सबका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है तो लिहाजा सबका वेपर प्रेशर सेम होगा बॉइलिंग पॉइंट पे नो मैनोमेट्रिक मेथड नहीं करना अच्छा अब हम सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं और सॉलिड्स को स्टार्ट कर करके फिर जैसे असर का टाइम होगा तो हम आ, कुछ दस पंद्रह मिनट दस मिनट की ब्रेक ले लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सॉलिड्स जी ये जो सॉलिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं हमारे पास एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनमें एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइंस रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं थ्री डायमेंशन में जी इनके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स क्योंकि जो सॉलिड्स हैं या तो एटम से मिलकर बने होते हैं या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं या आइन से, से मिलके बने होते हैं तो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आइन्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर इन थ्री डायमेंशन ठीक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशन में जबकि एमॉरफस का मतलब ही शेपलेस होता है एमॉर्फस का मतलब क्या होता है शेपलेस इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एटम्स आइन्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट रेगुलरली अरेज एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड तो एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्लास ग्लू रबर ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास आ जाते हैं एन एस सी एल के सी एल ग्लूकोस आइस ये हमारे पास क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो हमने सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं जी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि इनकी एक खास शेप होती है डेफिनेट शेप एंड जोमेट्री नेक्स्ट इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बल्कि हाई सबका नहीं होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका जी इनमें इनका एक खास क्लेविच प्लेन होता है जिस पे हम इनको डिवाइड दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं वो प्लेन जिस पे हम इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं दैट इज क्लेविच प्लेन नेक्स्ट है जी कि ये एन आइसोट्रॉपी इनमें पाई जाती है वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उन, उनको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डायरेक्शन उनको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है पैरेलल टू द लेयर्स। ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में गुड कंडक्टर है लेकिन बाकी डायरेक्शंस में वो गुड कंडक्टर नहीं है तो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एक होता है नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी

क्रिस्टल को लेट से ये हमारे पास क्रिस्टल है ये इसकी ए है ये बी है और ये सी है जब हम किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पर रोटेट करें जब मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो बी इधर आ जाएगा ए इधर आ जाएगा ठीक है फिर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा फिर मैं नाइन्टी डिग्री पर रोटेट करूँगा तो बी इधर आ जाएगा ए इधर आ जाएगा फिर मैं नाइन्टी डिग्री पर रोटेट करूंगा तो ए दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा तो जब आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करो और उसके फेसेस, एंगल्स और एजिस रिपीट हो इसको हम कहते हैं कि उसमें सिमेट्री पाई जाती है रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस इज कॉल्ड सिमेट्री ठीक है जब हम किसी क्रिस्टल को थ्री सिक्सटी डिग्री पे रोटेट करें तो उसकी फेसेस एंगल्स और एजेस अगर रिपीट हो तो इसका मतलब है कि उसमें सिमेट्री पाई जाती है नेक्स्ट है जी हैबिट ऑफ द क्रिस्टल एक क्रिस्टल की हैबिट क्या होती है द शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट यूली ग्रोस जी वो शेप जिसमें एक क्रिस्टल ग्रो करता है वो उसकी हैबिट होती है जैसे कि NACL जो है ये ऑक्टाहीड्रल फॉर्म में होता है या क्यूबिक फॉर्म में होता है ये हमेशा इसी शेप में ग्रो करता है NACL जो है ऑक्टाहीड्रल फॉर्म में भी ग्रो करता है क्यूबिक शेप में भी ग्रो करता है ये तो ये इसकी हैबिट है शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट यूली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल नेक्स्ट है जी आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है आइसो का मतलब होता है सेम मॉर्फ का मतलब होता है शेप जब ए की सब्सटेंस जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस ए की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म जैसे कि सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट इड्रोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये दोनों किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं रोमबोहेड्रोल फॉर्म में जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही शेप में एग्जिस्ट कर रहे हो इसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमोर्फ है जी बच्चों क्लियर नहीं है काफ़ी लैग है जब आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पर रोटेट करो और 360 डिग्री पर रोटेट करने के बाद उसका वही फेस सामने आ जाए जो पहले था 360 के बाद भी वही फेस आ जाए रिपीट हो तो इसको हम कहते हैं कि उसमें सिमेट्री पाई जाती है मैं आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ अब आइसो का मतलब होता है सेम मॉर्फ का मतलब होता है शेप तो जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही शेप में एग्जिस्ट करें तो इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की आइसोमॉर्फ होती हैं अब इसमें क्या होता है बेसिकली इसमें अटोमिक रेशो बराबर होती है तो इसमें भी एक एटम सोडियम का है एक नाइट्रोजन का है तीन ऑक्सीजन के हैं इसमें भी एक एटम पोटेशियम का है एक नाइट्रोजन का है तीन ऑक्सीजन के हैं जी बच्चों आवाज़ आ रही है अब आपको जी बच्चों आवाज़ आ रही है आप सबको नेट तो ठीक आ रहा है पर पर पता नहीं क्यों लैग हो रहा है जी अब आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है स्क्रीन जो है अभी आपको क्या शो हो रहा है अच्छा जी आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ का मतलब होता है शेप तो जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही शेप में एग्जिस्ट करें इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म और वो दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के लिए आइसोमॉर्फ होती हैं दीज आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर तो इसमें बेसिकली एटॉमिक रेशियो सेम होती है इसमें सोडियम वन है नाइट्रोजन वन है ऑक्सीजन थ्री है इसमें भी पोटेशियम वन है नाइट्रोजन वन है ऑक्सीजन थ्री है तो बेसिकली इसमें अटोमिक रेशियो सेम होती है नेक्स्ट है जी पोली पॉली पोली का मतलब होता है मैनी मॉर्फ का मतलब होता है शेप जब दो जब एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं पोलीमोरफिजम जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ए जी थ्री ये एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है रोमबोहैड्रोल में भी और ऑर्थोरोम्बिक में भी जी बच्चों आपको नज़र आ रही है स्क्रीन जी बच्चों आवाज़ आ रही है आपको नजर आ रही है ना आपको तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जब एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और वो एक दूसरे से वो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं एक तो एजी एनओथ्री रोम्बोहाइड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, है। इसी तरह एलोट्रॉपी होती है हमारे पास एलोट्रॉपी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो इसको कहते हैं एलोट्रॉपी और उन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉप जैसे कि कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है बकी बॉल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है अच्छा एक और होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर जी जैसे कि हमारे पास ग्रेट इन है ग्रेट इन ग्रे ट इन होता है क्यूबिक और इसके लिए जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा जी इसका उसकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है वाइट इन और ये टेट्रागोनल है तो थर्टीन पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं ये दोनों एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं इक्विलीवियम में तो इसका मतलब है ये वो टेम्परेचर है जिसपे एक एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है चेंज होती है तो अगर 13.2 से कम टेम्परेचर है तो वो क्यूबिक में एग्जिस्ट करेगा अगर 13.2 से ज्यादा है तो वो टेट्रागोनल में वाइट टिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये तो हो गई जी क्रिस्टल सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अब हम बात करेंगे क्रिस्टल लेटेस्ट क्या होता है लेटेस्ट साइड्स क्या होती हैं वट आर वट इज क्रिस्टल लेटेस्ट लेट से ये हमारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ठीक है ये हमारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जैसे कि एन का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिकल है तो चूंकि इनमें एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की आइटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स की एक खास पोजीशन होती है लेट से ये यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोराइड आइन प्रेजेंट है यहाँ पे भी क्लोराइड आइन प्रेजेंट है और इनके दरमियान सोडियम आइंस प्रेजेंट है ये भी क्लोराइड आइन्स हैं ये भी क्लोराइड आइन है इधर सोडियम आयन है इसी तरह ये भी क्लोराइड आयन है ये सोडियम आयन है ये क्लोराइड आयन है ये भी क्लोराइड आयन है ये भी क्लोराइड आयन है, है। इधर सोडियम आयन है तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को जहां पर एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं या लेटेस्ट साइट्स कहते हैं वो पॉइंट्स जहां पर एटम्स आइन्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स अब इन पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं ना बेसिकली एक ये पॉइंट था इसको मैंने मिलाया इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मैंने मिलाया इस पॉइंट के साथ इस तरह ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा फिर आगे सोडियम आइन आएगा फिर आगे क्लोराइड आयन आएगा फिर आगे सोडियम आएगा तो इन पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं थ्री डायमेंशन में अब मैं इस इस तरफ भी मिला रहा हूं इस तरफ भी मिलाऊंगा इस तरफ भी मिलाऊंगा इस तरफ भी मिलाऊंगा तो थ्री डायमेंशन में हम इन पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन क्या बनेगी इट इज एन अरे ऑफ अरे ऑफ पॉइंट्स वो पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग एटम आइन और मॉलिक्यूल इन ए थ्री डायमेंशन स्पेस इस कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस ठीक है इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स आइंस और मॉलिकूल्स इन ए थ्री डायमेंशन इन पॉइंट्स को जिन जिन पॉइंट्स पे ये आइन एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन पॉइंट्स को हम तीनों डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं तो ये एक क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे ठीक है क्रिस्टल को ही क्रिस्टल लेटिस कहते हैं अब इस क्रिस्टल का एक सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल यूनिट सेल क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दी क्रिस्टल लेटिस दैट शोज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल जी यूनिट सेल सबसे छोटा पार्ट होता है क्रिस्टल लेटेस्ट का जो क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज का शो करता है यानी कि जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वही पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होंगी ठीक है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल जैसे कि अगर एक छोटा क्यूब है अगर हमारे पास एक छोटा क्यूब है जी ये हमारे पास क्यूब है तो इस क्यूब्स के साथ अगर मैं और क्यूब मिलाऊंगा इस क्यूब के साथ मैं एक और क्यूब मिला देता हूं ठीक है तो क्या होगा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी एक क्यूब ही बनेगा ठीक है इस तरफ भी इस तरफ भी फ्रंट पे भी तो ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा पार्ट है क्यूब जो है ये सबसे छोटा पार्ट है जब छोटे क्यूब्स मिलेंगे तो बड़ा जो यूनिट बनेगा जो बड़ा क्रिस्टल बनेगा उसकी शेप भी क्यूब ही होगी तो इसका मतलब है कि ये जो है ये यूनिट सेल है ये सबसे छोटा पार्ट है अगर ये क्यूब है तो पूरे क्रिस्ट पूरा जो क्रिस्टल है उसकी शेप भी क्यूबिकल ही बनेगी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो ही पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है अच्छा अब इस यूनिट सेल की या क्रिस्टल्स की छह प्रॉपर्टीज होती हैं, छह पैरामीटर्स होते हैं सिक्स पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल वो क्या हमारे पास तीन एजिज होती हैं तीन साइड्स होती हैं ये है ए ये है बी और ये है सी ठीक है इस चौड़ाई को हम कह रहे हैं ए ये डेप्थ जो है हमारे पास बी है और ये जो हाइट है इसको हम कह रहे हैं सी ये तीन साइड्स हैं हमारे पास ए बी और सी ये तीन साइड्स हैं और इनके दरमियान एंगल्स हैं वो तीन एंगल्स हैं अब ये जो ए और बी है ना अच्छा ये बी है तो ये भी बी है और ये भी बी है और ये भी बी है अच्छा ये सामने वाला ए है ये इसके पीछे वाला भी ए है ये भी ए है और ये भी ए है अच्छा ये सी है ये भी सी है ये भी सी है और ये भी सी है अच्छा इस ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं गामा गैमा इसी तरह ये जो बी और सी है बी और सी के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एल्फ़ा ठीक है बी और सी के दरमियान क्या होता है अल्फा और कौन सा रह गया ए और सी तो ये जो ए और सी है इसके दरमियान होता है अल्फा तो हमारे पास तीन एंगल्स हैं ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो गैमा है बी और सी के दरमियान अल्फा है और कौन सा रह गया ए और सी के दरमियान हमारे पास बीटा है तो ये तीन एजेस हैं यानी कि तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं ये मिला के सिक्स पैरामीटर्स बनते हैं तो इन पैरामीटर्स को इन सिक्स पैरामीटर्स को हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशन या इनका दूसरा नाम है क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स इनको हम क्या कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स जी बच्चों आवाज़ आ रही है जी बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी आपको जी बच्चों आवाज़ आ रही है अच्छा बच्चों ऐसा है कि अब चूंकि ये इशू आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं हम नमाज़ की ब्रेक करते हैं मैं इसको एंड कर रहा हूँ तो इसको एंड कर रहा हूँ तो फिर हम आपको ना दोबारा ग्रुप में लिंक सेंड करते हैं ठीक है तो फिर आप वो वो वाला ज्वाइन करना दोबारा से लिंक तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ आप उतनी देर नमाज पढ़ो हम नमाज पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से आपको ग्रुप में जो है ना लिंक शेयर करते हैं ठीक है तो आप लोग दस मिनट की ब्रेक लो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और दोबारा से आपको लिंक भेजते हैं ग्रुप में तो फिर आप उस लिंक को ज्वाइन करना